बड़ी खबर आपको बता दें जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही, जहां पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको ये भी अहम जानकारी दे दें, सदर बाजार में दुकानों को सील किया गया है। ये भी बता दें 70 से 80 दुकानों को यहां पर सील किया गया है। सदर बाजार की खबर हम आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण के चलते इन दुकानों को प्रशासन की ओर से सील किया गया है। बड़ी और अहम खबर जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, रात करीब 3 बजे ये प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहां पर 70 से 80 दुकानों को सील किया गया है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सदर बाजार से सामने आ रही है, सदर बाजार में दुकानों को सील किया गया और 70 से 80 दुकानों को सील किया गया। आपको बता दें कि लगातार गुरुग्राम नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर बाजारों में अतिक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहा है। और ये कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सदर बाजार की 70 से 80 दुकानों पर जो है ताला लगाने का कार्य किया है। और ये नगर निगम की जो कार्रवाई है ये रात को हुई और बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर 70 से 80 दुकानों को सदर बाजार में सील किया गया। तो इसी मार्फत ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज वशिष्ठ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, यहां पर अतिक्रमण के चलते दुकानों को सील किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसी मार्फत? काफी दिनों से नगर निगम को शिकायत मिल रही थी कि बाजार में पैदल चलने वालों की भी जगह नहीं है और अतिक्रमण ने लगातार जो जो सदर बाजार है उसको घेरा हुआ है, जिसके चलते नगर निगम ने रात को करीब 3 बजे सैकड़ों पुलिस वालों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए 70 से 80 दुकानों को सील कर दिया गया। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन फिलहाल जो है अभी उनको राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी सोनिया, तो दुकानदारों की ओर से कहा गया कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई क्या निंदनीय नहीं माने जाए? किसी के रोजगार को यहां पर जो है आंच भी आ रही है और दुकान जो है क्या वो अतिक्रमण की स्थिति में आती है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को चलने में काफी परेशानी होती है, ना तो वहां से वाहन निकल सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि रोजगार का जरूर सवाल होगा, लेकिन समय समय पर नगर निगम इस तरह से कार्रवाई करता रहता है। लोगों को जो दुकानदार हैं वहां पर उनको चेतावनी देता रहता है कि इस तरह से जो सदर बाजार में आपकी दुकान है उनके बाहर आप रेहड़ी या पटरी वालों को ना बिठाएं, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो इन जो चेतावनियों को दरकिनार करके लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं, जिसके चलते नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जी सोनिया जी, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार गुरुग्राम नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने सदर बाजार में 70 से 80 दुकानों को ताला लगाया है। और आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए भी बाजार किस तरीके से सुबह का वक्त है नजर आ रहा है। और हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन की ओर से लगातार चलाया जा रहा है और इसी के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है।